तो पटना बिहार कैसा लगा आपको? पटना अच्छा लगा है। यहाँ की फेमस डिश है लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा राइट। ओके सर। फॉर होम यूज, घर का अगर मैं मान के चलो आपका 2000 का बिल है तो कम से कम 100-200 रुपए आपका सेविंग करके देता है। वंस अगेन वेलकम बैक पटना टू अनदर इन्फॉर्मेशनल एंड एक्साइटिंग वीडियो। तो अभी मैं खड़ा हूँ ज्ञान भवन के बाहर, और क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर, तो यहाँ पर अंदर क्या कुछ है और क्या चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा ये सब कुछ मैं दिखाऊंगा अंदर चल के। और यहाँ पर 10 से भी ज्यादा कंट्रीज के लोग अपने प्रोडक्ट्स लेकर आए हुए हैं, जैसे कि ईरान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश और भी बहुत सारी कंट्रीज से आए हुए हैं। तो हम लोग अंदर चलेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज देखने लायक है, क्या क्या प्रोडक्ट्स आप लोग खरीद सकते हैं और कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आप परचेस कर सकते हैं। तो अंदर चलते हैं और मेगा ट्रेड फेयर को एक्सप्लोर करते हैं। चलिए, भैया के शॉप का नाम है कश्मीरी आर्ट गैलरी। तो भैया अपने शॉप के बारे में बताइए, कहाँ से हैं आप? हम लोग कश्मीर से हैं जी। तो अपने शॉप के बारे में बताइए। हमारे पास हैंडीक्राफ्ट का आइटम्स है, कश्मीर से आए हुए बहुत अच्छे अच्छे शॉल्स हैं, पश्मीना शॉल्स हैं। किस रेंज से शॉल से स्टार्ट होते हैं और मैक्सिमम कितने के हैं? मेरे पास अभी रेंज है 550 से अप टू 15,000 रेंज तक। और ये कपड़ा जो यूज़ होता है ये कौन सा कपड़ा है और कौन सी चीज़ें यूज़ होती है इसको बनाने में, इसके बारे में? वुलन है, जो शीप का वूल होता है ना, बेड का वूल, उससे बनते हैं। मतलब बेसिकली ये विंटर्स के लिए, विंटर का, हाँ विंटर के लिए, हाँ सेल लगा, हाँ विंटर के लिए लगा। शॉप के बारे में बताइए भैया। जी हमारा, हम तो मुरादाबाद से आए हैं, ये हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। हमारे पास माल आपका 100 रुपये से लेके आपका 4,000 तक मिलेगा आपको। आपका नाम? मेरा नाम शादाब है। और ये फर्स्ट टाइम पटना में सेल कर रहे हैं? जी फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम तो पटना में कैसा लग रहा है? अच्छा रिस्पांस है। अच्छा रिस्पांस मिल रहा है? हाँ बढ़िया रिस्पांस। तो प्रोडक्ट्स आप कैसे बनता है, क्या स्पेसिफिकेशन है, ये सब चीज़ें थोड़ा बताइए। तो जी सर, हमारा ये खुद का हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं, ठीक है ना। ये हम लोग को ऑर्डर देते हैं, ये लेबर हमारे पास सारा है, उसमें ये सारा क्वान्टिटी हमारा माल मिलता है, होलसेल भी करते हैं हम। इसका डिज़ाइन और ये स्ट्रक्चर ये सब किन सब चीज़ों से ये सब बनता है? ये सर इसका सीट आता है, ये कटिंग होता है, मशीन से कटिंग होता है इसका सबका। अच्छा, तो ये सारे डिज़ाइन, जैसे अलग अलग डिज़ाइन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, ये सारे डिज़ाइन आप लोग खुद तैयार करते हैं? खुद तैयार करते हैं। मैम अपने शॉप के बारे में बताइए। शॉप हमारी एंटीक शॉप है, फातिमा नाज एंटीक कलेक्शन। बाकी प्रोडक्ट्स से आपके प्रोडक्ट्स कैसे डिफर करते हैं? बाकी प्रोडक्ट हमारा बिल्कुल अलग ही है, सारे स्टॉल में आप भी देख रहे होगे, पूरे में घूमोगे, हमारा जो प्रोडक्ट बिल्कुल अलग ही है, हर चीज़ हमारी यूनिक है, वो यहाँ कहीं नहीं मिलती, सिर्फ हमारे पास ही मिलती है। कहाँ से आप आए हो मैम? चंडीगढ़ में हमारी शॉप है, हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है मुरादाबाद में। तो पटना में फर्स्ट टाइम आपने यहाँ पर मेगा ट्रेड फेयर में सेल लगाया? नहीं फर्स्ट टाइम नहीं, हम तब भी लगता है तभी आते हैं यहाँ पे, अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है तभी हम इसमें यहाँ पर आते हैं। कितने साल से यहाँ पर आप लोग आ रहे हो? मैक्सिमम हम यहाँ पर आ रहे हैं 4-5 साल से। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉपर और ब्रास के बने, बहुत ही एंटिक है और डिफर करते हैं, बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। और मैं रेंज के बारे में भी मैम से पूछ लूँगा, मैम रेंज के बारे में बताइए। रेंज मैम सर हमारे यहाँ पे 500 से लेके और 50,000 तक की है। ये मूर्ति देख रहे हैं आप राधा कृष्ण की, ये हमारी 50,000 की है, यहाँ पे हमने इसका रेट कम ही कर रखा है। बाकी हमारा चंडीगढ़ में शोरूम है, वहाँ पे हम 80,000 की इसको सेल करते हैं। अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए, शॉप के बारे में। हमारी शॉप दुबई की है, मेड इन यूएई प्रोडक्ट है हमारे, इत्र है, परफ्यूम है, बॉडी ट्यूल। हमारे इत्र की खासियत ये है कि लॉन्ग टाइम रहते हैं,
ये प्योर होता है, नो सिंथेटिक नो केमिकल एल्कोहल फ्री। प्राइस रेंज 300 से स्टार्टिंग प्राइस है हमारा, 10,000 तक की फ्रेग्रेंस है हमारे पास। ये सारा मार्बल्स का बना हुआ है? जी सर, मार्बल का, ये सिंगल स्टोन का आइटम है मेरे पास में, जो लॉयन है सिंगल स्टोन के अंदर इसको बनाया जाता है और 7 महीने में बन के ये कम्प्लीट होता है। और ये प्राइस कितना है इसका? ये 4 लाख रुपए का पेयर है। और इसका प्राइस क्या? ये 30,000 का पेयर है। ओके, तो ये सारे आइटम्स आप सिर्फ इंडिया में या बाहर भी एक्सपोर्ट होते हैं? जी सर, बाहर भी होता है, इंडिया में भी एक्सपोर्ट होता है, हर जगह एग्जीबिशन करते हैं और एग्जीबिशन में ये आइटम बेचते हैं। हमारे घर में कोई शॉप वगैरह भी नहीं है। तो यहाँ पर कब से सेल कर रहे हो आप लोग, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में या इसके पहले भी आए? नहीं सर, इधर में पहली दफ़े हम लोग जो आइटम लेकर आए। फर्स्ट टाइम? यस। तो पटना बिहार, बिहार में कैसा लग रहा है? सर अभी तो वैसे पब्लिक तो अच्छा आ रहा, कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा लेने वाला। और मेरी पटना लोगों से यही गुजारिश है, आप लोग आइएगा टाइम निकाल के, आपके शहर में हम लोग आए एग्जीबिशन लगाने के लिए। शॉप का नाम क्या हुआ? राजस्थान हैंडीक्राफ्ट। राजस्थान हैंडीक्राफ्ट। ओके, तो आप भैया के शॉप पर आइए। अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं, इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर ज्ञान भवन में लगा हुआ है, तो यहाँ पर अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ पर विजिट करिए। डिवाइस में क्या आरसी सर्किट लगा होता है, रजिस्टेंट कैपेसिटर, एमओवी माइक्रोचिप, ये पीएफ को इम्प्रूव कर रहा है, पावर फैक्टर को आपके बढ़ा रहा है। और घर के किसी भी स्विच में लगाएंगे, रिजल्ट आपका मेन मीटर पे आएगा। ये एसी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, वाटर पम्प, फैन, टेलीविजन, ऑल टू ऑल अप्लायंसेस पे काम करता है। ये एनएबीएल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवेड है, 100% जेन्युइन लीगल प्रोडक्ट है। और इसमें क्या आरसी सर्किट जो होता है, रजिस्टेंट कैपेसिटर, पीएफ को इम्प्रूव करने के लिए होता है। पावर फैक्टर जो फैक्ट्री में हम लोग लगाते हैं कैपेसिटर, ये वही चीज़ है घर के लिए। तो सभी पे फॉर होम यूज, फॉर होम यूज। घर का अगर मैं मान के चलो आपका 2000 का बिल है, तो कम से कम 100-200 रुपए आपका सेविंग करके देता है। अभी जैसे ये मेन मीटर पे इतना खर्चा दिखा रहा है, मैंने जैसे ही लगाया आपके सामने ये रिजल्ट कम हो गया, ऐसे ही आपके घर में भी ये रिजल्ट देगा। जैसे आप देख रहे हो हमारे पास बैग्स है, ये भी सारे इनका फैब्रिक का नाम थेरमा है, थेरमा से बना हुआ है, वॉशेबल भी है। और हमारे पास ज्वेलरी बैग्स, ये सारी चीज़ें भी हैं, बेडशीट्स हैं और हैंडग्राफ्ट चीज़ें आप जो देख रहे हैं, हैंडग्राफ्ट चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास कॉपर से बना हुआ है, कॉपर के ऊपर मीनाकारी हुआ है, हैंडवर्क है, हाथ से ये पेंटिंग हुआ है। वॉचेस भी हैं, वॉचेस जो है वॉचेस वुड का है, लकड़ी का, लकड़ी के ऊपर कॉपर लगाया है और कॉपर के साथ मीनाकारी हुआ है सेम। और ये जो हमारे प्रोडक्ट है ये फास्ता में पटना में आया है। तो पटना बिहार कैसा लगा आपको? पटना अच्छा लगा है, अच्छा है। तो यहाँ की सबसे फेमस चीज़ है लिट्टी चोखा, खाया आपने? नहीं सर, मुझे नहीं पता था। नहीं पता, तो आप यहाँ से जब भी फ्री होकर जाएं तो जरूर एक बार ट्राई करें, यहाँ की फेमस डिश है लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा, राइट। ओके सर, थैंक यू।